हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उषा वीर, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं तुलसी को किस तरह से यूज़ करती हूं घर में। एक्चुअली मैंने कई प्लांट्स लगाए हुए हैं और जब वो पूरे पक जाते हैं, पकने का मतलब जब उसमें बीज आने शुरू हो जाते हैं और उसकी डंठल मोटी हो जाती हैं, तब मैं उन्हें इस तरह से एक एक कुएं से निकाल लेती हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्टेम, मोटी वाली स्टेम भी मैंने निकाल ली है और पत्ते भी। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब ये पकने लगते हैं इसके बीज, या बीज हो जाते हैं, तब इसके पत्ते छोटे होते चले जाते हैं। ऐसे में जो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं, मैं उसको ग्रो कर लेती हूँ। और आप इसको चाहे धर्म आस्था किसी से जोड़िए, मगर मैं इसे मेडिकली मेडिसिन प्लांट के रूप में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर अपने परिवार के साथ में जो है यूज़ कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है ये। ये जो देखिए, मैं इसको अभी जो इतनी मोटी स्टेम है, इसको कैसे करूँगी, इसको एक्चुअली मैं थोड़े थोड़े तोड़ लूँगी। यानी इसको ऐसे हम तोड़ लेंगे ताकि ग्राइंड हो सके। ग्राइंड में से मुझे एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा करके रखना है, ताकि हम जब बच्चों का दूध गर्म करते हैं, या अपनी चाय बनाते हैं, या आप अपना लेमन टी बनाते हो, उस समय भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कई तरह से यूज़ हो सकती हैं, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, कर रही हूँ कि इसको किस तरह से हम यूज़ करें। और चूँकि ये अच्छी मोटी है, बहुत अधिक इसमें इसका अरोमा और इसकी जो मेडिकली जो इसकी बेनिफिशियल्स जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको हम इसमें से लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ इनको इस तरह से करके और इसको फिर ग्राइंड करके दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने तोड़ लिए हैं इनको। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ और इसको धूप में क्यों नहीं सुखा देती। अगर मैं धूप में सुखाती हूँ तो इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, वो उड़ जाती है और इसका कलर भी बदरंग हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि सुखाते समय, या घर में भी मान लो छाया में भी सुखा रहे हैं, तो पत्ते इधर उधर उड़ते रहते हैं, इधर उधर गिरता रहता है, बिखरता रहता है। तो मैं हमेशा इस तरह से करती रहती हूँ। अभी 10 से 15 दिन पहले मैंने इसी तरह से करके रखा था, और ये देखिए, इस तरह से एक बड़े बाउल में या किसी एयर टाइट डब्बे में मैं इसको बंद कर देती हूँ। जब ये सूख जाता है तब ये देखिएगा, उसी का बचा हुआ है। और जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसी में से हाफ टी स्पून के करीब ले लेती हूँ। और ये जब उबलता है तो ये अपनी पूरी जो इसकी जो मेडिकली जो इसके अंदर मेडिसिन होती हैं हमारी हेल्थ के लिए, वो उस पानी में या उस दूध के अंदर आ जाती है और एक अच्छी सी खुशबू आती है। इसको हमें सूखा ही फ्रेंड्स मिक्सी में चलाना है, आप पानी वानी नहीं डालिएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, एक हाफ मिनट के अंदर ही इस तरह से हो जाता है, ये देखेंगे आप। और अब आपको यूज़ करना इजी हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं सारा कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा हो गया और मुझे एक मिनट भी नहीं लगाया है। अब इसको हम इसी तरह से कोई छलनी वगैरह ढक करके रख लेंगे, और जब ये बिल्कुल सूख जाता है तब आप उसको एयर टाइट डब्बे में रख सकती हैं। और फ्रेंड्स, जिससे अब ये जो है हमें कई चीज़ों से बचाता है, फीवर में विशेष तौर से, हम लोग सर्दी जुकाम होने पर, गला ख़राब होने पर, कोरोना टाइम जैसे अब चल रहा है तो उसमें भी बताते हैं कि तुलसी को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, गिलोय के साथ में, नींबू के साथ में। तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे, या मेरा ये मेथड अच्छा लगता है, तो आप इसको पहले अपने घर में अप्लाई कीजिएगा, फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।